नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे साउथ पर। अगर आपने टुडे साउथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरी आपसे ये विनीत विनती है कि आप कृपया करके जो है सब्सक्राइब कर लें इस चैनल। लाइक आप वीडियो को तभी करें जब आपको वीडियो पसंद आए, किंतु सब्सक्राइब तब करें जब आपको चैनल का कंटेंट पसंद आए कि सही दिशा में जाता हुआ कंटेंट है। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको साउथ इंडिया से संबंधित तमाम फिल्मी जानकारियां जो है समय पर मिलती रहें। और अब आज की प्रस्तुति। 3 साल गुजर चुके, रक्षित शेट्टी जो है पिछली बार जब दिखाई दिए थे एक फुल फ्लेजर्ड रोल में, यानी एक पूरे नायक के रोल में, उसको गुजरे अब 3 साल हो गए। और उसके बाद से जो है आपको जो उनको थोड़े बहुत मौका मिला है पर्दे पर देखने का, वो दिखाई दिया है श्रेयस के मंजू की फिल्म थी पेड्डेहुली, जिसमें बड़ा ही छोटा सा रोल था। लेकिन क्रिक पार्टी के बाद से सही बोला जाए अगर, तो रक्षित जो है या तो एक बड़ी फिल्म को शूट करने में बिजी रहे हैं, या उसके अलावा जो है अपनी प्रोड्यूसर की जो भूमिका होती है उसी को निभाते आए हैं। लेकिन अब इस साल जो है आपके लिए वो सबसे पहले लेकर के आ रहे हैं अवने श्रीमन्नारायण। अवने श्रीमन्नारायण जो है 2019 की सबसे पहली रिलीज होगी। इनफैक्ट ये कई सालों में उनकी फुल फ्लेज्ड एज ए हीरो पहली रिलीज होगी। लेकिन अगर आप इतने से खुश हो जा रहे हैं तो मैं आपकी खुशी दुगनी कर देता हूं। आपको मैंने कुछ दिनों पहले एक फिल्म के बारे में बताया था जिसमें कि वो एक बड़े ही प्यारे कुत्ते के साथ काम कर रहे थे, और उस फिल्म का नाम था 777 चार्ली। 777 चार्ली जो फिल्म है, वो फिल्म आप जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कलाकार जब किसी जानवर के साथ काम करता है तो उसमें दोनों की इंजीनियरिटी कितनी ज्यादा आती है। प्रोड्यूसर जो है पुष्कर मलिका और जिन्या, उन्होंने जो है अनाउंस कर दिया है कि रक्षित की फिल्म 777 चार्ली अवने श्रीमन नारायणा के कुछ ही देर के बाद रिलीज कर जाएगी। उन्होंने ट्वीट जो किया हुआ, ट्वीट पढ़ के बताता हूं आपको। 777 चार्ली इज ऑन द वे टू इमीडिएटली आफ्टर अवने श्रीमन नारायणा। ये उन्होंने संडे को ट्वीट किया, आज मंडे है, मैं आपको खबर पहुंचा दे रहा हूं। अवने जो है अगस्त की रिलीज है, तो लगता है कि ये 777 चार्ली जो है वो फेस्टिवल के समय रिलीज कर सकती है, जिस समय आपका दुर्गा पूजा दशहरा का जो है समय आएगा। फिंगर्स क्रॉस रखते हैं हम, भगवान करे कि दोनों फिल्में जो है हमें जल्दी से जल्दी देखने मिले। आंखें तरस गई हैं रक्षित को दोबारा बड़े पर्दे पर देखने के लिए। मिलता हूं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत, मैं लौट के तुरंत आ रहा हूं। धन्यवाद।